मैंने 4 साल में अभी हो गया मेरा, तो आपके 4 साल में क्या क्या एक्सपीरियंस मैंने फील किया है वो थोड़ा सा शेयर करूंगा। मुझे लगता है कि 4 साल में बेस्ट क्लास होगी जो अभी तक मेरे समय में डिसिप्लिन वाली होगी, क्योंकि पहले वाले बच्चों में कभी कभी हम लोग सोचते थे कि जल्दी से इनका एग्जाम खत्म हो जाए और ये यहाँ से जाए, बट इस बैच को मुझे नहीं लगता कि कोई टीचर दिल से चाहता है कि ये जाए। अभी जब मैं नाइन आया, जब आप लोग नाइन्थ में थे तो मैं यहाँ पे ज्वाइन किया था, नाइन्थ मैंने पढ़ाया, टेंथ में पढ़ाया, भले ही अभी ह्यूमैनिटीज में नहीं पढ़ा रहा हूँ लेकिन वो अटैचमेंट अभी भी वैसे ही लगता नहीं है कि ये मेरे ही बच्चे हैं जैसे अपने टेंथ में पढ़ाया था। मुझे याद है कि रात में 10:30 बजे तक हम लोग बैठते थे और साइलेंटली सारे बैठ करके प्रिपेयर कर रहे थे आई टी के एग्जाम, तो बहुत ही अच्छा था। बीच में अभी दुर्गा प्रसाद भंडारी से मेरी कभी मैं एडमिशन नहीं चाहता था, एडमिशन 9th-11th का करा था और उस बीच में मुझे याद है कि मेरी फेस टू फेस मुलाकात नहीं हुई थी। हम लोग जेपीएससी के लिए जा रहे थे हम और दीपाली सर, उस दिन हर तरफ से रास्ता ब्लॉक था, पूरे दिन हम लोग ट्रेवल किए, रात में करीब आई थिंक 7-8 बजे तक वेस्ट सिक्किम पहुंचे। बीच में डेवी गार्डन पड़ा, वहां पे एक फोटो डाला मैंने इसमें अपने स्टेटस पे, तो दुर्गा प्रसाद भंडारी ने देखा होगा कहीं से, इमीडिएटली कॉल किया, सर मेरे घर के बगल से आप निकल गए, लौटते में जरूर आइएगा मेरे घर में, मैं खाना बना के रखूंगा। तो ये दर्शाता है कि कितने अच्छे बच्चे हैं, मतलब उसकी अच्छाई निकल रहा है कि दिल से वो ना कि केवल एक ही है, सारे बच्चे हैं। मैं मुझे याद है कि अभी हाल ही में मैंने सागे को बोला कि सागे आज ये पेंट करना है वॉल के लिए, इमीडिएटली उसने कहा कि मैं 4 बजे तक वो पेंट करके रेडी हो गया, सब आकर के उसमें हेल्प किए। तो ये नहीं था कि वो साइंस के टीचर है साइंस के वो बोलेंगे अपने बच्चों को बोले, बहुत सारे स्कूल में ये होता है कि साइंस के टीचर है हम लोग क्यों करें, लेकिन ऐसा नहीं था, बोलने से ही तुरंत ये। तो ये सब मुझे दर्शाता है कि आप कितने अच्छे हो और वी रियली मिस यू कि आप यहाँ से जाएंगे तो हम लोग बहुत ही मिस करेंगे। इससे पहले बेस्ट मैंने बताया था और अभी के बेस्ट में ये बहुत डिफरेंस आया, बहुत डिसिप्लिन है, बहुत ही मुझे 100% अश्योर है, क्योंकि मैडम डरती है कि सर पास हो जाएंगे ना, मुझे 100% विश्वास है कि सब पास हो जाएंगे और काफी जो है सब अच्छे नंबर से पास होंगे। पास इस बारे में पता है इस बार कोई भी 60% से नीचे नहीं होना चाहिए, तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ मैडम से कि कोई भी 60 से नीचे नहीं होगा, ठीक है, और जिससे कि ये प्रूव हो सके कि आप बेस्ट स्टूडेंट हैं, ठीक है ना। और मुझे याद है कि थ्री इंडियट की एक बहुत बढ़िया सी लाइन है, उसने अमेरिका में बोला कि काबिल लोगों की कामयाबी अपने आप आपके पीछे आएगी, तो आपके काबिल बनिए और कामयाबी तो शोर शोर मिलेगी आपको। किसी ने कहा कि हम क्या करेंगे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन हमने पता है और उसने कहा था कि आप लोगों को कोई भी नहीं जानता कि क्या बनेंगे, मुझे पता है कि सब बहुत अच्छी जगह पहुंचोगे।